नमस्कार मैं पंकज रवि आपनों सकुके स्वागत जानसो आम एडुकेशन यूट्यूब चेनेल यूनिक साइंस टिटल ले सो आम आज डिस्कस कर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटी चैप्टर रिलेशन विट्विन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट ऊपर सो इतिम्य आम इगत चार पाँचा लेक्चर करूँ आज चैप्टर ऊपर सो जिस चुना ना आम आगर भिडिओ क्या चाह ला और कैंडलि आम चेनेल तो सबसक्राइब कर ला का बेल आइकन टाच करा जो प्रत्येक भिडिओ तुम लोग पाई थका और निजर फ्रेंड सर्कल मजदूर भिडिओ शेयर कर नपहरबा सो अं आज स्टार्ट करूँ आम भिडिओ दैट इज रिलेशन विटुईन व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट सो अलरेडी तुम लोग टर्म पाई वेलोसिटी ग्रेडियंट पोटेंशियल दैट इज तक कि डि वि बाय जी है वेलोसिटी है डि वि बाय डि एक्स थको ठीक है सो तेने पोटेंशियल ग्रेडियंट मैं डि वि बाय डि आर टर्म तो अमार पोटेंशियल ग्रेडियंट कह ठीक है सो आम किसा कन्सिडार ए पॉइंट चार्ज प्लस किऊ एट ओ आम कैसा एट चार्ज कन्सिडार कर प्लस किऊ हुईज इज एट पॉइंट ओ क्लियर एति आम चुआ नाउ फॉर ए आम ऑलरेडी चुआ नाउ फॉर प्लस किऊ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो कन्सिडार करूँ सदा पॉजिटिव चार्ज तो कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कि हम टुवर्ड्स राइट थके दैट इज आउटवर्ड डायरेक्शन थके निगेटिव हम कि हम इनवर्ड डायरेक्शन थकिले हेन है आम प्लस किऊ चार्ज तो एट सार्टेन डिस्टेंस सपोज एट ए डिस्टेंस अफ आर आम एट पॉइंट कन्सिडार कर सपोज दैट इज व्हाट ए सिमिलरली एट ए डिस्टेंस अफ आम आर माइनास डि आर डिस्टेंस एट पॉइंट कन्सिडार कर दैट इज वि नाउ एट पॉइंट ए पोटेंशियल वी आर कन्सिडार्ड एज व्हाट सपोज वि और एट पॉइंट वि पोटेंशियल आम कन्सिडार कर सपोज वि प्लस डि वि ठीक है सो ऑलरेडी आम यू चार्ज यू चार्ज आस दूटार मजदूर क्या फोर्स अफ रिपल्सन थी तेज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होता कि आसे इफाले सो जो फोर्स टर्म्स लिखो एफिजिकल कि आसे किऊ नट इ है ऑलरेडी आम पाई ठीक है चुना सो आम कि पालू तीन उलो कन्सिडार ए पॉइंट चार्ज किऊ एट पॉइंट ओ नाउ फॉर चार्ज किऊ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन नाउ कन्सिडार ए पॉइंट charge q not at point a at a distance of r whose potential is what v similarly we are considering another point at point b at a distance of r minus dr with the potential v plus dv that means a r minus dr mane ki a dekho distance to ki hoise amar simply dr distance ifale move hoise mane mane amar already potential ki asile work done in bringing the charge so a thoka charge to b line ki hoise work koise so kiman distance aise dr distance mane clear एतिया चुआ सिम्पलि कि हम सो आम जो पोटेन्सियल चाँ ना पोटेन्सियल हेन्ड दो मजदूर ए और वि पॉइंट मजदूर डिफारेन्स जो उलियां पोटेन्सियल डिफारेन्स विटुईन ए एंड वि ठीक है सो पोटेन्सियल डिफारेन्स विटुईन ए एंड वि इज कि हम सिम्पलि ए पॉइंट पोटेन्सियल कि वि और वि पॉइंट कि वि प्लस डि वि सो आम फाइनल पजिशन कि वि सो आम कि वि प्लस डि वि माइनास कि है सरी माइनास कि है वि सो पोटेन्सियल डिफारेन्स तो आम क्या सिम्पलि डि वि हम और पोटेन्सियल डेफिनेशन कि पासी वि इज इक्वल कि वर्क डन बाय चार्ज सो क्षेत्र जो चाँव सीट स्मल पोटेन्सियल सो आम वर्क डन कि हम स्मल वर्क डन अन चार्ज व्हाट क्यू नट सो आम सिम्पलि कि लिख पारो सो डि वि इज इक्वल टू व्हाट सिम्पलि डि डब्ल्यू बाय क्यू नट क्लियर सपोज दिस इज इक्वेशन वन ओके ये सिम्पलि कि पोटेन्सियल डिफारेन्स विटुईन द पॉइंट ए एंड वि इतना चुना ए ए थका चार्ज तो दैट इज किऊ नट चार्ज तो जैसे इनफिनिटी पर ए ले ब्रिंग करोते आम वर्क डन करनेदे आको एक चार्जक आम इन पॉइंट बिले आनते कि वर्क डन करना सो ए बिले आनते कि स्मल डिस्टेंस आनी से दैट इज डि आर डिस्टेंस तक वर्क तो कि हम स्मल वर्क डन है सो स्मल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज किऊ नट फ्रम ए टू बी इज गिवेन बाय कि लिख पारिम सो नाउ स्मल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज स्मल वर्क डन in bringing the charge q not from a to b is ki hobo already ami says ki hobo small work done dw so small work done definition ki asle f dot distance ki dr so ki dot product of force into displacement hane distance so f dot dr mane ki likhabo f dr dot product ki asle etia so एजन टू फोर्स फोर्स डायरेक्शन कि है टुवर्ड्स राइट मैंने रिपल्स अफ फोर्स है ना इफाले कि ठेली थी और डि आर टू कि इन द अपोजिट डायरेक्शन है ना सो एफ टू आज टुवर्ड्स डिस डि आर टू आस डिस सो एंगल तो कि हम 180 डिग्री
হয়নে? চোৱা প্ৰথমতে আমি লিখি লৈছোঁ যে এফ ডি আৰ কি হ'ব, কছ অফ থিটা। এতিয়া সেই কছ অফ থিটা এংগলটো কি হ'ব, এফ ডি আৰ কছ অফ কি হ'ব, 180 ডিগ্ৰী, চিম্পলি বুজি পাইছা? এইটো এফৰ ডাইৰেকশ্যন, এইটো কি হ'ব, ডি আৰ ডাইৰেকশ্যন। চ' এটা এফালে হ'ল কি হ'ব, তেনে মাজৰ এংগলটো কি হ'ব, 180 ডিগ্ৰী, হয়নে? চ' 180 ডিগ্ৰী, কছ 180 ডিগ্ৰী ভেলটো কি হয়, -1। চ' সেই ক্ষেত্ৰত কি লিখিম মই, এফ ডি আৰ লিখিব পাৰিমনে? এফ ডি আৰ পালোঁ, ঠিক আছে। কিন্তু এফৰ জেগাত আমি কি লিখিব, এফৰ ডেফিনেশ্যন কি আছিলে, এফ ইজ ইকুৱেল টু কিউ নট ই। সেই ক্ষেত্ৰত যদি মই লিখোঁ মাইনাছ কিউ নট ই ডি আৰ, চ' হুইচ ইজ ইকুৱেল টু ৱাট, ডি ডব্লিউ। আৰু মই যদি এনেকৈ লিখোঁ ডি ডব্লিউ বাই কিউ নট কৰি লিখোঁ, দেট ইজ মাইনাছ কি লিখিব পাৰিম, ই ডি আৰ। ছাপ'জ দিছ ইজ ইকুৱেশ্যন হোৱাট, টু। এতিয়া যদি চোৱা এইটো ডি ডব্লিউ বাই কিউ নট, নম্বৰ ইকুৱেশ্যনত এইটো কি হয়, ডি ডব্লিউ বাই কিউ নট, যদি দুইটা এটা ছাইড ইকুৱেল হয় কিন্তু কি হয়, ডাইৰেক্ট ইকুৱেল লিখিব পাৰোঁ। চ' আমি কি লিখিব পাৰিম, ফ্ৰম ওৱান এণ্ড টু, আমি যদি ফ্ৰম ওৱান এণ্ড টু লিখোঁ কি লিখিব পাৰিম, আমি লিখিব পাৰিম যে চিম্পলি ডি ভি ইজ ইকুৱেল টু হোৱাট, মাইনাছ ই ডি আৰ। অৰ ই ইজ ইকুৱেল টু কি লিখিব পাৰিম, মাইনাছ ডি ভি বাই ডি আৰ লিখিব পাৰিমনে? চ' আমি কি পালোঁ, চিম্পলি ই ইজ ইকুৱেল টু চিম্পলি কি, ই হ'ল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড, আৰু ডি ভি বাই ডি আৰ, এই ডি ভি বাই ডি আৰটো কি হৈছে, আমাৰ পটেঞ্চিয়েল গ্ৰেডিয়েণ্ট। ক্লিয়াৰ? চ' আমি কি পালোঁ, এতিয়া ৰিলেশ্যন বিটুইন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এণ্ড পটেঞ্চিয়েল কি পালোঁ, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ই ইজ ইকুৱেল টু হোৱাট, নিগেটিভ অফ ডি ভি বাই ডি আৰ। চ' দ্য নিগেটিভ চাইন ইণ্ডিকেটছ ডেট দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ই ইজ অলৱেজ ইন দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ ডিক্ৰিজ অফ ইলেক্ট্ৰিক পটেঞ্চিয়েল। ক্লিয়াৰ? ইলেক্ট্ৰিক পটেঞ্চিয়েল। চ' এইটো আমাৰ আজি ৰিলেশ্যন আছিলে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ পটেঞ্চিয়েল গ্ৰেডিয়েণ্টৰ মাজত। চ' যিসকলে তোমালোকে ভালদৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই গৈছে, ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু কাইণ্ডলি আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকে চাই ল'বা, তেতিয়া আজি ভিডিঅ'টো বুজি পোৱাত তোমালোকৰ হেল্প হ'ব। চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ইউনিক চাইন্স টিউটৰিয়েলৰ পৰা তোমালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।